यूपी के रामपुर में जिला अस्पताल की एम्बुलेंस 108 में खुलेआम रंगरलियां मनाई जा रही है। समाज सेवी दानिश खान के अनुसार एम्बुलेंस में गलत काम किया जा रहा है, खुद एम्बुलेंस चालक इस गंदे काम में शामिल बताया जा रहा है। मामले की शिकायत समाज सेवी दानिश खान ने CMO रामपुर, DM और SP रामपुर और लखनऊ में आला अधिकारियों से भी की है। रामपुर से जुड़े इस प्रकरण में करीब आधा दर्जन लोगों का शामिल होना बताया जा रहा है। बता दें कि हरिपाल सिंह नाम का व्यक्ति उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित 108 एम्बुलेंस में अयाशी का अड्डा बना चुका है, जिसका वीडियो वायरल हुआ था। मामले में अधिकारियों को अवगत कराने के बावजूद भी कोई कार्रवाई अब तक नहीं की गई है। ऐसा है कि 108 का पर एक AMT हरिपाल सिंह नाम का एक व्यक्ति है। ये 108 एम्बुलेंस जो सरकार द्वारा संचालित है मरीजों को लाने ले जाने के लिए आपातकाल स्थिति में, उसमें सच रैकेट चला रहा है। 6 महीने से मेरे पास सूचना थी, इसकी काफ़ी टाइम से मैं जांच कर रहा था और इसके पीछे लगा हुआ था, लेकिन जब मैंने तथ्य सामने आए, जब मेरे पास रिकॉर्ड सामने आया, तो ये खुद उसमें रंगरलियाँ मनाते हुए पकड़ा गया, जिसका वीडियो मैंने सोशल मीडिया पर फेसबुक के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय और SP महोदय और शासन स्तर तक भेजा है। यूपी के सीतापुर में जिलाधिकारी अखिलेश तिवारी और पुलिस अधीक्षक RP सिंह ने भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जिला जेल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान DM और SP ने जिले में सभी बैरकों का जायजा लिया और बंदियों से बातचीत कर उन्हें मिलने वाला खाना और अन्य सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। ये रूटीन निरीक्षण है और जिलाधिकारी SP को आना रहता है, इसमें आकस्मिक रूप से कभी भी निरीक्षण कर सकते हैं। उसी क्रम में निरीक्षण किया गया। सुविधाओं के अलावा ये चीज़ भी देखने की कोशिश हुई कि कोई ऐसी वस्तु जो यहाँ नहीं आनी चाहिए आ रही है, नहीं आ रही, किसी के पास कुछ ऐसा चीज़ तो नहीं है, उसकी सर्च कराई गई पर्याप्त फोर्स के साथ, ऐसी कोई चीज़ मिली नहीं। यूपी के चंदौली में कोरोना संक्रमितों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। जिले में जिस रफ्तार से कोरोना मरीज मिल रहे हैं, उसकी वजह से जिला प्रशासन में हलचल के हालात हैं। पिछले 24 घंटों में जिले में 101 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जिसमें 65 लोग तो दीनदयाल नगर मुगलसराय के ही रहने वाले हैं। कोरोना के बढ़ते आंकड़े के कारण जिला प्रशासन ने अगले 10 दिनों के लिए चंदौली के प्रमुख शहर दीनदयाल नगर सहित जिले के बड़े बाजारों में संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया है। बिहार में कोरोना के बढ़ते हुए ग्राफ की रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने 16 से 31 जुलाई तक राज्य में अनिवार्य सेवा छोड़कर लॉकडाउन लगा दिया है। लॉकडाउन के दूसरे दिन बिहार के मधुबनी में जयनगर अनुमंडल पदाधिकारी शंकर शरण ओमी के नेतृत्व में DSP सुमित कुमार और DDO बिस्पी ने पुलिस बल के साथ शहरी क्षेत्रों में फ्लैग मार्च कर बिना वजह सड़कों पर वाहन चलाने वाले चालकों पर जुर्माना लगाया। साथ ही मास्क का उपयोग न करने पर भी कई लोगों पर जुर्माना लगाया गया। इस दौरान कई वाहनों को जब्त भी किया गया। में लोगों को जनजागरूकता, लोगों को बताया जा रहा है कि 31 तारीख तक जो है सारी दुकान जो है जो आवश्यक वस्तुओं की है जो सरकार के द्वारा छूट दी गई है उसको छोड़ करके सारी दुकानों को बंद रखेंगे। राजस्थान में जालौर के आहोर उपखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद और सख्त नजर आ रहा है। इस दौरान थाना प्रभारी खम्मा राम के निर्देशन में यातायात पुलिस ने मुंह पर बिना मास्क लगाए लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर चालान किए, जिसमें पुलिस थाने के सामने बैरिकेड्स लगाकर पुलिसकर्मी नियमों के विरुद्ध चला रहे बाइक और वाहन रोककर चालकों के चालान काटे जा रहे हैं। साथ ही सरकार की गाइडलाइन के अनुसार मास्क लगाना जरूरी बता लोगों को हिदायत भी दी जा रही है।